वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे तो 1.06 रुपए चल रहा है और आज के दिन इसमें अपर सर्किट लगा है। हालांकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो एक साल में क्या हो रहा है, लगातार इसमें गिरावट हो रही है। 2.92 रुपए के लेवल से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। तो इस वीडियो में जानने वाले कि कब ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, एज वेल एज कंपनी का फंडामेंटल भी देखेंगे और चार्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 55.7 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे तो 1.06 रुपए चल रहा है, जो कि बुक वैल्यू की तुलना में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। 265 स्टॉक का वैल्यूएशन है और यहां से ही पता चल गया था कि स्टॉक में आगे गिरावट होने वाली है। इसी वजह से 3.06 रुपए के बाद स्टॉक में गिरावट हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 25.4 है और इस स्टॉक का वैल्यूएशन 265 है। और भी ज्यादा इसका जो वैल्यूएशन है वो कम होना चाहिए। अब वैल्यूएशन मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि वैल्यूएशन होता क्या है। तो वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, पी रेशियो, प्राइस पर अर्निंग रेशियो, मतलब स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है और जितना यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है, अगर आप उसका डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पी रेशियो आ जाएगा। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा है तो कंपनी को यहाँ पे ज्यादा अर्निंग जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू ये कम हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्प्लिट करती है तो भी यहाँ पे कम हो सकता है, या फिर बोनस देने से भी यहाँ पे पी रेशियो को कम किया जा सकता है। बट आपको यहाँ पे फोकस यही रखना है कि पैनी स्टॉक में जो भी पैनी स्टॉक होते हैं उनका अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस जो करंट प्राइस है स्टॉक का उसको घटाने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो जो भी पैनी स्टॉक स्पीड या बोनस देते हैं वहां पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बात करें डेप्थ की तो कंपनी डेप्थ फ्री है, पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी और अभी भी है। आरओसी आरओए कंपनी का उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। टोटल एसेट 67 करोड़ का है कंपनी पर और 14 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 30% कम हुई है अगर आप देखेंगे तो। फेस वैल्यू 1 रुपए की स्टॉक की। डिविडेंड अनाउंस नहीं किया यहाँ पर स्टॉक ने। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि सेल्स पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, Q4 में अगर आप देखेंगे तो सेल्स Q3 के मुकाबले ज्यादा आई है और पिछले साल के मुकाबले कम आई है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो सेल्स है वो बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी की सेल्स यहाँ से बढ़ती गई और नेट प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो जरूर ये कंपनी का जो रेट है आपको 10 रुपए 15 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट कंडीशन यही है कि कंपनी के सेल्स आनी चाहिए एज वेल एज नेट प्रॉफिट आना चाहिए। बट अभी कंपनी का जो सेल्स है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक टाइम पे क्या हुआ था, मार्च 2016 के आसपास सेल्स आई थी 16 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद देखिए लगातार कम हो गई सेल्स और तब से लगातार सेल्स कम ही आ रही है। जब भी हमें कंपनी सेल्स ज्यादा देखने को मिलती है पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये स्टॉक हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 0 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन आप देखेंगे 1 लाख, 3 लाख, 33 लाख, 52 लाख, मतलब तब धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, फिर अचानक से कम हो गया और फिर से यहाँ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है कि कंपनी कम सेल्स में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इससे यहाँ पे कंपनी की इफिशियंसी पता चल रही है। बट यहाँ पे एक समस्या का विषय यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार इसमें कम हो रही है। 17.36% होल्डिंग थी Q2 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Q3 में कितनी हो गई, 9.37 के आसपास और Q4 में 3.68% हो गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे क्यों कम हो रही है। DI की होल्डिंग देखें तो 0.04% है और पब्लिक की हिस्सेदारी 96.28% है। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट में। आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगा है और उसके पीछे रीजन भी आपको पता होगा कि आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा प्लस था। यहाँ पर स्विंग जो बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ऑल ओवर ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आज के दिन ही स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक 1.36 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है, जो कि ये वाला लेवल है आसपास, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक अपट्रेंड में आ जाएगा और हमें काफी जल्दी रिटर्न मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे बाय किया वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो अभी आपको लॉस मिल रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट तभी होगा जब ऑपरेटर इसमें फिर से एंट्री लेते हैं और ये स्टॉक ऊपर जाता है, तभी ये आपको प्रॉफिट में देखने को मिल पाएगा। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है और इसमें आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो इसमें काफी कम कैपिटल के साथ इसमें आप बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनी स्टॉक जितना ज्यादा रिटर्न देते हैं उतने ज्यादा पेन भी देते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।